90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में से गोविंदा की बात करें तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। गोविंदा की बात करें तो 90s के दौर में इनका बोलबाला देखने को मिला और उस दौरान के कई सारे सुपरस्टार इनके आगे पानी भरते हुए नजर आते थे, लेकिन समय ने ऐसी पलटी मारी कि आज गोविंदा गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। जो गोविंदा हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारों में से एक हुआ करते थे, लेकिन आज वही गोविंदा किसी भी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गोविंदा भले ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनके बेटे यशवर्धन आहूजा को लेकर इस समय की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि वो जल्दी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने वाले हैं। यशवर्धन की बात करें तो उनका और गोविंदा के साथ कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होती हैं और इन वायरल तस्वीरों में आप साफ तौर पर यशवर्धन की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई जिसमें यह बताया जा रहा है कि यशवर्धन अपनी एक्टिंग की पारी शुरू करने वाले हैं। अब होता यूं है कि आज से करीब 2 साल पहले 2021 में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बताया था कि उनका बेटा यशवर्धन बॉलीवुड में अपनी शुरुआत के लिए तैयार है। सुनीता आहूजा ने इस दौरान कहा था कि यशवर्धन का डेब्यू लॉकडाउन के कारण लेट हो गया। हम उसके लॉन्च के बारे में कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। हम अच्छे प्रोडक्शन हाउस और अच्छी कहानी चाहते हैं क्योंकि यह उसकी पहली फिल्म होने वाली है। वह अपनी बॉडी बनाने, एक्टिंग सीखने, डांस करने और दूसरे काम करने में बिजी है। हम उसे जल्द ही लॉन्च करेंगे। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने बेटे के डेब्यू को लेकर इतना बड़ा खुलासा तो कर दिया था, लेकिन इसी कड़ी में ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन कौन सी फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना कदम रखेंगे। इस रिपोर्ट की माने तो गोविंदा के बेटे यशवर्धन फिल्म आउट ट्विस्ट करें नाम की फिल्म से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने वाले हैं और इस फिल्म को गोविंदा खुद प्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी उनके पिता का ही पैसा उनकी डेब्यू फिल्म पर लगने वाला है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर को भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। पॉपुलर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की बेटी सौंदर्य आचार्य फिल्म में यशवर्धन की अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली है और फिल्म आउट ट्विस्ट करने के लिए यशवर्धन और सौंदर्य आचार्य तेजी से तैयारी भी कर रहे हैं और इस फिल्म में गणेश आचार्य का भी पैसा लगने वाला है, यानी वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। बता तो ये भी जा रहा है फिल्म को गणेश आचार्य डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फिल्म से जुड़े किसी भी शख्स की तरफ से फिल्म को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन अपना कदम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रखने वाले हैं, वो भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की बेटी के साथ और फिल्म का नाम आउट ट्विस्ट करें बताया जा रहा है। अब गोविंदा की तरह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनका बेटा चमकता हुआ सितारा बन पाएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन आपकी क्या एक्साइटमेंट है गोविंदा के बेटे को बड़े पर्देपर देखने के लिए? अपनी एक्साइटमेंट हमें जरूर लिख भेजें नीचे देखें कमेंट सेक्शन के जरिए।